बैठे होते हैं, अपनी क्लास कर रहे होते हैं और काफी अच्छे से इनकी क्लास गुजर रही होती है। और अब हम देखते हैं कि इनके घर का सीन और कॉलेज के छुट्टी का सीन, जहाँ पे जब विंग होता है वो खड़ा हुआ होता है, वो सोचता है कि ना ड्राइवर उसको लेने आएगा, बट उस टाइम पे जो वांगजी था वो खुद आया था, तो जिससे देखे ना विंग शॉक भी हो गया था, खुश भी हो गया था कि उसका हस्बैंड उसकी इतनी ज्यादा केयर करता है। तो फिर ना वांगजी लेकिन ना आशु विंग वो ना फिर ये बोलता है, और फिर ना ड्राइवर ओपन करता है, तो फिर ना विंग स्माइल करता है और वो अंदर बैठ जाता है और कहता है कि ना गुड आफ्टरनून हस्बैंड, इस तरह बोलता है। तो फिर ना वांगजी उसकी तरफ देखते हैं तो फिर कहता है गुड आफ्टरनून, तो इस तरह बोलता है। फिर कहते हैं कि ना तुम्हारा दिन कैसे गया, तो फिर ना विंग अपने दिन के बारे में बताने लगते हैं, और इसी तरह बताते बताते वो घर पहुँचते हैं। और फिर ना वांगजी उसको घर छोड़ते हैं और कहते हैं कि ना मुझे थोड़ा सा काम है, मैं डिनर तक आ जाऊँगा, ठीक है। तो फिर ना जो विंग होता है कहता है ओके और जाने लगता है। तो फिर ना वांगजी कुछ सोचता है और कहते कि ना विंग, तो फिर विंग कहता है वापस आता है और कहते कि ना तुम डिनर ना बनाना, आज हम डिनर बाय करेंगे, तो ठीक है। तो फिर ना विंग ये सुन के खुश, कहते थैंक यू ओके मैं रेडी रहूँगा। तो फिर ना विंग कहते हैं वांगजी कहते ठीक है रेडी रहना 7 पे, तो भी कहता ओके बाय, उस तरह बोलता है। और फिर ना वांगजी की ना चेक पे किस कर जाता है, और फिर ना जो वांगजी होता है वो इतने की शौक होता है, और फिर ना अपनी चेक पे हाथ रखते, जब वांग विंग वहाँ से चले जाता है तो फिर ना हाथ रखता है, कुछ सोचता है, और फिर ना कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ ये बोलता है। और फिर ना वापस अपने ऑफिस में आ जाता है, और फिर जैसे ही उसने टाइम बताया था तो वो 7 पे घर पहुँच गया था। और वो ना विंग को आवाज़ देता है, तो फिर ना जो विंग होता है वो लिविंग रूम में आता है, और फिर जब जो वांगजी वो विंग को देखता है तो वो देख के शो हो जाते हैं, क्योंकि वांगजी के हिसाब से जो इस टाइम विंग था वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, और जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहा था। वांगजी की आईज उससे हटी नहीं रही थी। तो फिर ना विंग ये देखते हैं कि उसका हस्बैंड है उसको किस तरह शेयर कर रहा है, तो उसके फेस पे एक शाय स्माइल आ जाती है और कहते हैं हस्बैंड। तो फिर ना वांगजी अपने छोट से बाहर आते हैं, कहते हैं अच्छा चले। तो फिर ना विंग ना स्माइल करता है, और उसके बाद फिर हो जाते हैं और अपनी डिनर डेट को इंजॉय करते हैं, और उसके बाद फिर वो नाइट को घर आते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि रोजाना की उनकी रूटीन थी, क्योंकि जो विंग था वो वांगजी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, और जो वांगजी जो भी विंग उसको कहता था वांगजी हर वो चीज़ करता था, और वांगजी और वो कुछ भी बोलता था, जो भी बात बोलता था वांगजी उसको फुली फॉलो करता था। और विंग ने ये चीज़ नोटिस एक दफ़ा की थी, बट वो सोचे कि नहीं शायद ये मेरा वहम है कि विंग जो भी बोलता है विंग वांगजी वही करता है। तो आगे हम देखते हैं कि वो ऐसे सोए होते हैं अपने नाइट रूटीन करके, वो काफ़ी थक चुके होते हैं, तो वो सोए होते हैं। तो वांगजी ने ना विंग को हक किया होता है, बट वो इस तरह होता है कि वो शायद करना नहीं चाहता हक, बट एक साइड पे वो अपनी माइंड और अपने हार्ट से फाइट कर रहा था, क्योंकि उसका हार्ट कह रहा था कि विंग को टाइटली पकड़ो, क्योंकि जो वांगजी था उसने ना उसको नॉर्मली पकड़ा हुआ था, और उसका माइंड कह रहा था उसको छोड़ दो। तो फिर ना इसी बात में करते करते ना वांगजी ना थक जाता, और फिर ना विंग की तरफ देखते हैं, और विंग ना काफ़ी क्यूटली सो जाता है, तो उसके फेस की तरफ देखते हैं, और ना उसको देख के खुद ही काम हो जाता है, और फिर ना वांगजी खुद ही विंग को टाइटली आकर के सो जाता है। और इसी तरह ना इनके 2 मंथ्स का टाइम स्किप होता है, इधर जो विंग होता है वो थोड़ा ना सिक फील करने लगता है, जो चीज़ ना वांगजी नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि ये बात है ना विंग ने छुपाई हुई थी उसे, तो जिसकी वजह से अब हम देखते हैं कि विंग जो है वो अपनी स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करने लगी, क्योंकि अब उसके लास्ट सेमेस्टर्स के पेपर्स चल रहे हैं, एग्जाम्स जिसके और जो कि हो रहे हैं, स्टार्टिंग है तो फिर ऑन गोइंग है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रहा है, जिससे वो वांगजी पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, वो हाफ हाफ मिड नाइट तक वो स्टडी करता है, जिससे वांगजी उसको दिखता है बस, और टाइम नहीं दे पा रहा था उसको, विंग उसको टाइम नहीं दे पाया था। और जो वांगजी था वो फिर ये चीज़ नोटिस करता है, और फिर ना वो विंग को अनकंफर्टेबल ना करने के लिए, जिससे विंग को आराम से और भी ज़्यादा उसकी स्पेस मिले, वो अपना काम कर सके, जिसकी वजह से वो खुद को अपने ऑफिस वर्क में बिजी कर लेता है। और इस तरह हम देखते हैं कि 1 मंथ का वो टाइम स्किप हो जाते हैं, जहाँ पे ना 1 वीक पहले जो विंग की ग्रेजुएशन डे था, तो
उस पे जो वांगज़िया था वो वहां जाता है एज उसका गार्जियन, और फिर सबको पता चलता है कि जो वी था वो मैरिड है, क्योंकि उसने ये बात छुपाई होती है। तो फिर ना सारे शौक भी होते हैं, हैरान भी होते हैं, और काफी कुछ जेलस भी होते हैं कि ना वीन का ना इतना हैंडसम ना हस्बैंड देख रहे, और कुछ लोग वो का दिल टूट जाता है क्योंकि उनको जिनको वीन पे क्रश था। तो इधर हम देखते हैं कि जो विंग है वो आज काफी ज्यादा ही सिक फील कर रहा है, और 1 month का टाइम मतलब टोटल 3 months गुजर चुके हैं उनकी मैरिज को। तो आज वो सोचते हैं कि ना वो जो वांगजी था वो डिनर किए ब्रेकफास्ट किए बगैर ऑफिस गया था, तो उसने सोचा कि आज वो उसको ना लंच देने जाएगा और डॉक्टर के पास ही जाएगा, क्योंकि 1 month हो चुका है और उसको ना काफी वो हो रही है मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। तो सोचते कि ना वो वांगजी के पास जाएगा और उसको ना ब्रेकफास्ट लंच दे के उसका वहाँ से ना चला जाएगा और डॉक्टर के पास। तो इस तरह सोचा, और फिर ना हैप्पीली ना सारा हर चीज़ प्रिपेयर करने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है वहाँ के लिए, वांगजी के ऑफिस के लिए। और हम देखते हैं वांगजी का सीन, जो कि वांगजी अपने कैबिन में बैठा था, तो उसकी कैबिन पे एक नोक होती है, तो फिर वो कहते कम इन। तो फिर ना वहाँ पे उसके कोई और नहीं बल्कि उसके ब्रदर आए होते, तो फिर कहते हैं वांगजी। तो फिर ना वांगजी अपने भाई की आवाज़ सुनते और फिर ना कहते हैं यस ब्रदर, हाउ आर यू, वैसे बोलते कहते हैं मैं ठीक हूँ और तुम कैसे हो? तो फिर कहते हैं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर कहते ओके, और फिर ना वांगजी के सामने आके बैठ जाते और वांगजी कुछ देर तक शेयर करते और कहते हैं कि ना वांगजी। तो फिर ना जो वांगजी तो कहते हैं यस ब्रदर, तो जो जन कहते हैं कि तुम्हारी वेडिंग लाइफ कैसे गुजर गया, मैरिज लाइफ? तो जो भी वांगजी होता है वो कहते हैं अच्छी गुजर रही है। और इस टाइम पे जो विंग होता है वो भी आ चुका होता है, और सबको पता होता है ऑफिस में, सबको पता होता है कि जो विंग है वो वांगजी का हस्बैंड है, तो कोई उसको रोकता भी नहीं है। और जो वांगजी होता है वो पहले भी एक दो दफ़ा उसके ऑफिस में आ चुका था, तो उसको पता था ही उसका कैबिन कहाँ पे है। तो वो जैसे डोर ओपन करने वाला था तो उस टाइम पे ना उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती, तो वहीं पे ना वो उसने डोर हल्का सा ओपन कर दिया था, तो वो ना वही बातें सुनने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो एक्चुअल बातें क्या हो रही थी, जो भी हमने सुना कि कहा था कि ना हम अच्छी चल रही है। तो फिर ना वीम को ना कुछ अजीब सा लगता है, बट वो कुछ कहता नहीं है, और ना वो उन दोनों की फिर से कन्वर्सेशन सुनने लगता है, क्योंकि ये उसकी मैरिज लाइफ के बारे में थी, इस वजह से वो बात सुन रहा था, वरना उस वो सोचता कि नहीं गलत है बेटा। बट वो जब सुनता है मैरिज लाइफ के बारे में, तो वो जानना चाहता था कि वांगजी क्या फील करता है, क्योंकि विंग उसको काफ़ी 3 months से काफ़ी टाइम आई लव यू बोल चुका था, बट जो वांगजी था वो सिर्फ उसको ओके अच्छा ठीक है थैंक यू, वो इस तरह के अजीब से देता था रिस्पॉन्स। भी उसने आई लव यू टू नहीं बोला था, तो वो सुनना चाहता था कि वांगजी क्या सोचते हैं उनकी मैरिज लाइफ के बारे में। तो फिर ना जो इधर हम देखेंगे वो जिनको जो उसकी तरफ देखते हैं, और फिर कहते हैं कि ना वांगजी मुझे क्लियरली बताओ, तुम्हें पता था तुम मुझसे बातें नहीं छुपा सकते। तो फिर ना उनकी गहरी सांस लेता है और फिर ना अपने भाई की तरफ देखने लगता है। तो फिर कहते हैं कि ना ब्रदर, वेल दुनिया के लिए ये एक अरेंज मैरिज है और हम एक हैप्पी कपल हैं, बट मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए एक अरेंज मैरिज है और ना ये फर्स्ट मैरिज है, बट बस एक सिंपल मैरिज है। बट मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे आपको बताऊं, बट मैं सच में ये बातें किसी से बताना चाहता हूँ, तो आप ब्रदर आप प्लीज़ मुझे इंटरप्ट किए बगैर ना मेरी सारी बातें सुनिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा। वेल एक्चुअल में ना ये बोलते हैं, और फिर ना वो ना खिड़की के पास जाके खड़ा होता है, तो विंडो के पास, और पूरे शहर को देखने लगता है। वहाँ से उसकी कंपनी वाली साइड से सारा शहर नजर आता है, तो ना वो देखने लगते हैं, उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है, और फिर वो बोलना फिर से शुरू करता है। और फिर कहते हैं कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, एक नॉर्मल मैरिज लाइफ, जो आई थिंक मुझे शायद मिल गई है। वेल आपको पता विंग ना मुझे इतनी दफ़ा उसने मुझे ना आई लव यू बोला है, तो मुझे अच्छा लगता भी है और पता नहीं ये फीलिंग्स है, मुझे नहीं समझ आता, बट जो वो मेरे लिए फील करता है, मैं उसको आज तक उसको मैंने नहीं बोला कि आई लव यू टू, बिकॉज मैं उसे लव नहीं करता। मैं उसकी सारी उसकी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, जो वो कहता है मैं हमेशा वो करता हूँ, ताकि वो मेरे साथ अनकम्फर्टेबल ना हो, वो मेरे साथ कम्फर्टेबल रहे और हमारी मैरिज अच्छी गुजरे। आई थिंक सही है, हमारी मैरिज सही गुजर रही है, बिकॉज वो मुझसे लव करता है, मैं उसकी केयर करता हूँ और वो मुझे अपना लव देता है और मैं उसके बदले में केयर करता हूँ, तो
वो जैसे जैसे कहते हैं मैं हर चीज़ ऐसे करता हूँ, और जो चीज़ की वो डिमांड करते हैं मैं हर वो चीज़ करता हूँ, उनकी फुली केयर करता हूँ। तो आई थिंक ये मेरे बस सही है। हाँ, इस रंगूट और फिर अपने भाई की तरफ मुड़ते जो है ना, उसको शोक शोक एक्सप्रेशन से देख रहे होते, और ये बातें सुन के ना विंग का ना हार्ट ब्रेक हो जाता है, कि जब वो सुनता है कि जवान जी वो उसे प्यार नहीं करता वो, बट सिर्फ मैरिज की वजह से उसकी ये कर रहा है, केयर कर रहा है और वो उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहा है। ये एक वो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है वो उसकी, बट वो प्यार नहीं करता उससे, वो बस अपने हस्बैंड होने का कर्तव्य निभा रहा है। जिसे सुन के ना उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, और वो ना शॉक भी होता है कि इस तरह मांगची कैसे कह सकता है, और उसको ना काफ़ी पेन होता है। और फिर ना वो वहीं पे ना वहाँ से फ़ौरन भाग जाते हैं, और सारा स्टाफ उसको देखते हैं, बट कोई कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो काफ़ी शौक भी होता है कि ना पेन ने ऐसे क्यों बिहेव किया, क्योंकि कभी भी किसी ने उसको रोते ही नहीं देखा था, बट वो उस दिन रोते हुए भाग के जा रहा था। और फिर ना वीन अपनी कार में आके बैठता है, और फिर ना काफ़ी ज़्यादा रो रोता है। उसके बाद फिर वो ना घर आ जाता है, और फिर ना अपने रूम में जाता है, और उसको ना रूम को लॉक कर लेता है, और रोने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। रोते रोते उसके ना स्टमक और हेड में दर्द होने लग जाता, तो वो अपने ना एक हाथ से स्टमक और दूसरे हाथ से अपने हेड को पकड़ लेता है, और उसको पेन हो रहा था, तो वो ना नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। उस टाइम पे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इधर हम देखते हैं वांग जी और ना जेवजुन का सीन, जो कि जेवजुन जैसे मैंने आपको बताया था कि वो शो के एक्सप्रेशन से वांग जी की तरफ देख रहे थे, तो फिर वांग जी कहते क्या हुआ ब्रदर, तो फिर कहते कि ना वांग जी तुम उसको हर्ट कर रहे हो, तो फिर ना वांग जी कहते मैं कैसे हर्ट कर रहा हूँ, जो वो चाहता है मैं उसको वो दे रहा हूँ। तो फिर कहते कि ना वो लव, तुम उसे लव नहीं दे रहे, एक मैरिज लाइफ में लव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक लव के बगैर तुम नहीं वो कर सकते। अगर ये बात वहीं को पता चल गई तो मैं पता उसको कितना हार्ट होगा। तो फिर ना वांगी अभी भी कंफ्यूज दिख रहा था, फिर कहते कि ना मैं उसकी हर चीज़ पूरी करता हूँ, जो वो कहता है मैं वो करता हूँ, तो उसको हर्ट क्यों होगा। तो फिर कहते कि ना वांगी मैरिज लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है ट्रस्ट, बिलीव और लव, ये चीज़ नहीं होगी तुम उसको हर चीज़ दे रहे हो। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि विंग के पास ये चीज़ें ऑलरेडी थी, मतलब उसको मनी अगर चाहिए थी वो खुद कर लेता था ऑन, क्योंकि बिकॉज वो उसकी ऑनलाइन उसकी काफ़ी सारी उसकी अर्निंग्स है बड़ी, जिससे वो अच्छा खास कमा लेता, तो उसको मनी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक तुम अपने हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें वो ठीक है, बट मुझे लगता है तुम्हें उसको लव करना चाहिए। तो फिर ना वीन वांग जी उसकी तरफ देखते हैं, और फिर कहते हैं ना ब्रदर ये लव थिंग मुझे नहीं समझ आती। तो फिर कहते हैं कि तू समझो अपने हस्बैंड को लव दो,